जी अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर सीरीज़ के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा लेकिन एक्चुअल में रॉन्ग हो जाएगा आपका। कैसे बात करते हैं, जनरल स्टेटमेंट को समझिएगा, या जनरल स्टेटमेंट को हम साइंटिफिकली प्रूव्ड ट्रुथ भी कहते हैं। तो साइंटिफिकली जो है वो क्या हो, प्रूव्ड हो। मिसाल के तौर पर जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ हो यार, ठीक है, जिसका पास्ट ऐसी स्टेटमेंट जिसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सेम रहे, वो हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट के अंदर होगी। अब बचा सेंटेंस देखेगा एग्ज़ाम में कि प्लांट्स आर गिविंग अस ऑक्सीजन, तो बात तो ठीक है लेकिन सेंटेंस क्यों गलत है? क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, एक जनरल बात है, जनरल स्टेटमेंट है। तो आर गिविंग नहीं आएगा, ये जनरल बात हो रही है तो क्या आएगा, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। ठीक, अगली बात माई प्लांट्स की बात आ गई है तो ये जनरल बात नहीं रही, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्या करना है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो बात क्या होगी कि आर गिविंग हटेगा, गिव लगेगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट में आप लोगों ने करना है। जनरल स्टेटमेंट प्रेजेंट इनडेफिनेट में होता है हमेशा। अब ज़रा इस चीज़ को गौर से देखिएगा, एक और एग्जांपल है, द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट, रॉन्ग। क्यों? द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट, ये गलत है। सूरज जो है वो मशरक से ही निकलता है, निकल रहा नहीं है, निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। आज भी, कल भी और परसों भी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारा ऐसे होगा। तो क्या होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ इज़ पुलिंग एवरीथिंग डाउन, नो नॉट पुलिंग, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउन। एक और सेंटेंस हमारे पास, प्लांट्स आर ग्रोइंग वेल इनसाइड, नो नॉट ग्रोइंग बट प्लांट्स ग्रो वेल इनसाइड। आपने किस में करना है हमेशा इसको, प्रेजेंट इनडेफिनेट के आपने इसको अंदर करना है, प्रेजेंट इनडेफिनेट के अंदर। आई होप इट्स क्लियर नाउ।